हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज एक बड़े खास विषय के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ, और जो मेरा विषय, जो मेरा आज का टॉपिक है वह वन मोर टाइम, एक और समा। और हम परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे वन मोर टाइम, परमेश्वर हमें एक और समा दे रहा है और जरूरत भी है परमेश्वर से एक और समा मांगने की। हालेलुया। और अपनी बाइबल को खोलेंगे लूका के सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 32 आयत तक अगर हम पढ़ें। इस जगत के ऊपर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो व्यक्ति एक बहुत ही धनी आदमी की संतान था, और उस आदमी के दो पुत्र थे। जो छोटे बड़ा पुत्र था, जो उस धनी आदमी का छोटा पुत्र था, एक दिन उसके दिमाग में ऐसी बात आई कि मैं अपने परिवार से, अपने बाप से, अपने फैमिली से जितना मेरा हिस्सा है, जितनी मेरी जायदाद है, जितनी मेरी संपत्ति है, वो मैं लेकर अपने ऐश प्रस्ती करने में, अपने याशी करने में, अपने लाइफ को एंजॉय करने में निकल जाऊं। बाइबल में लिखा है जब उसने अपने पिता से बोला, पिताजी मेरे को मेरी जितनी संपत्ति है उसका मेरा हिस्सा मेरे को दिया जाए। उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, परमेश्वर के वचन से कुछ बताया, लेकिन बाइबल में लिखा है उस व्यक्ति ने, उस नौजवान ने अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति ने अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को, जितना उसका संपत्ति था, जितना उसका धन दौलत था, उसको उसका हिस्सा दे दिया। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो उसका हिस्सा जब उसको दे दिया, उसने अपना पैसा लिया, उसने अपनी संपत्ति ली और अपने देश को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घराने को छोड़कर वह वैश्यों के पास चला गया, नशों के बीच में चला गया, नशे करने वाले लोगों के बीच में चला गया, गलत काम करने वाले लोगों के बीच में चला गया, और उस जगह के ऊपर जाकर जितनी उसकी संपत्ति थी, जितना उसका उसके पास धन दौलत था, जितना उसके पास पैसा था, वो पूरा वैश्यों के बीच में और नशों के बीच में, और पूरे का पूरा पैसा उस व्यक्ति ने, उस धनी आदमी के छोटे पुत्र ने वैश्यों के बीच में गलत कामों में उड़ा दिया, और लाठीज में उड़ा दिया, और कई तरीके के साथ डांसिंग क्लब में उड़ा दिया, नशों के बीच में उड़ा दिया, नशे करना शुरू हो गया। लेकिन जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, वो दूर देश में था, कुछ काम ढूंढ रहा था कि मैं कुछ अपने पेट का गुजारा करने के लिए, अपने पेट को कुछ खाना देने के लिए कुछ काम ढूंढ सकूं। बाइबल में लिखा है उसने बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों को बोला कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दिया जाए ताकि मैं अपने पेट का गुजारा कर सकूं, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपनी संपत्ति अपने पिता से लेकर आ चुका हूं, अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरा पिता अभी मुझे कुछ नहीं देने वाला। एक दिन ऐसा हुआ, ढूंढते एक घर में गया, वहां पर घर में जाकर जब उसने उनसे हेल्प मांगी, मदद मांगी, मुझे काम दिया जाए, उस जगह के ऊपर लिखा है उसको काम जरूर मिला। वो काम था सूरों की देखभाल करने के लिए, सूरों की देखभाल करने के लिए। जो सूरों का मालिक था उसने बोला, तूने मेरे सूरों की देखभाल करनी है, पैसा तुझे कोई नहीं मिलेगा, मंथली सैलरी कोई नहीं मिलेगी, तनख्वाह तुझे कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ तू खाना तुझे नहीं मिलेगा, तू इतना कर सकता है कि जो मेरे सूर खाएंगे, जो चारा सूर खाएंगे, जो गंदगी सूर खाएंगे, वो ही तू खाएगा। ऐसे उसने, बाइबल में लिखा ऐसे उसने काम को सेट किया, कबूल किया। ऐसे धीरे धीरे चलता गया। एक दिन उसके दिमाग में ये बात आई कि मेरे पिता के घर में, जो मेरे पिता के घर में नौकर है, वह भी मुझसे अच्छा खाते हैं। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, जो मेरा टॉपिक है वो वन मोर टाइम है। पहले मैं स्टोरी बता रहा था आपको,
जो मेरा टॉपिक है वो वन मोर टाइम है, एक और समा। आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक और समा दे रहा है। ये जो व्यक्ति अपने पिता का घर छोड़कर अपनी संपत्ति को लेकर, ये जो व्यक्ति अपना सब कुछ लेकर चला गया वैश्यों के बीच में, पाप की दलदल में, गुनाहों के बीच में, आपका अपना उसने सब कुछ खत्म कर दिया, एक दिन इसके दिमाग में बात आई कि मैं कहां पर घूम रहा हूं। जब ये सूरों के साथ खाता था, जब ये सूरों के साथ सोता था, जब ये खो चुका था, उसके दोस्त, उसके यार दोस्त, उसके मित्र उसको छोड़कर चले गए। जितने लोग, जब उसके पास पैसा था उसके पास लोग थे, जब उसके पास पैसा था उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब उससे उसका पैसा खत्म हो गया, जितना उसके पास धन था पूरा खत्म हो गया, सभी छोड़कर चले गए। सूरों के पास आ गया, सूरों के साथ सो रहा है, सूरों के साथ खा रहा है, सूरों की देखभाल कर रहा है। एक दिन उसके दिमाग में आया, बाइबल में लिखा है, जब उसके दिमाग में आया, लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 17 में हम पढ़ते हैं, जब वे अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह बड़ी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि के विरुद्ध पाप किया और इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर पहनाओ, जट से अच्छे वस्त्र निकालकर पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूती पहनाओ और पड़ा हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, जो खो गया था वह मिल चुका है और वह आनंद करने लगे। हालेलुया, आमेन। इस जगह के ऊपर देखिए, एक बाप का प्यार हम देखते हैं। एक जो पुत्र है वो अपनी अय्याशी में, अपनी दुनियादारी में खो चुका है, अपने लोगों में, अपने मित्रों में खो चुका है, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी पिता का प्यार देखे, पिता कितना प्यार करता है। फिर दोस्तों, आज हमारी जिंदगी भी ऐसी है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह के ऊपर हाहाकार मची हुई है, जगह जगह के ऊपर काल पड़ रहे हैं, जगह जगह के ऊपर बीमारियां फैल रही है, जगह जगह के ऊपर महामारी फैल रही है। आज जरूरत है अपने पिता के पास आ जाए, आज जरूरत है अपने पिता के पास आ जाए, आज जरूरत है अपने गुनाहों को माने। और याद रखें, जैसे ये पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था, वो यीशु जो कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, वे आपका इंतजार कर रहा है। वन मोर टाइम, एक और समय वो आपको दे रहा है। अपने पापों को छोड़े, अपने मन को फिराए, परमेश्वर की हजूरी में आ जाए। और याद रखें, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें बुला रहा है, वो परमेश्वर चाहता है हम अपने गुनाहों को छोड़े, हम अपने पापों को छोड़े और वापिस आ जाए। याद रखें, जिस दिन आप वापिस आएंगे, जिस दिन आप अपने गुनाहों को मानेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, वह आपको अपने गले से लगाएगा। इस जगह को पर लिखा है, उसने अपने पुत्र को गले से लगाया। पुत्र क्या कर रहा है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। प्यारे दोस्तों, मैं आज
अपने टॉपिक के द्वारा आपसे यही कहना चाहता हूं, आ जाए, वापिस आ जाए। मेरा खुदा, मेरा बाप, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। अपने गुनाहों को छोड़े, अपने अय्याशी को छोड़े, अपने वो गलत कामों को छोड़े और यीशु के पास आ जाए। यीशु आपको बदलना चाहता है, यीशु आपकी परिस्थितियां बदलना चाहता है। अगर आप खो चुके हैं, यीशु आपको ढूंढ रहा है। अगर आप मर चुके हैं, यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको उठाना चाहता है। अगर आप अपनी आशीषों में मर चुके हैं, यीशु आपको उठाना चाहता है। एक और समय, वन मोर टाइम, एक और समय परमेश्वर आपको दे रहा है, एक और चांस परमेश्वर आपको दे रहा है। इसलिए अपने गुनाहों को छोड़े, अपनी गलतियों को छोड़े और मसीह यीशु के पास आ जाए। उसको जब आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसकी कृपा आपके ऊपर आएगी, उसका अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और परमेश्वर का फजल आप सबके साथ बना रहेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये जो मैसेज है आप सुन रहे हैं, इस मैसेज के द्वारा पवित्र आत्मा आपको छुएगा। वन मोर टाइम, एक और समा परमेश्वर आपको दे रहा है। उस ये समय को मत गवाएं, समय को व्यर्थ मत गवाएं, समय की इज्जत करें। परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, परमेश्वर ने जो हमें एक और समय दे दिया है, इस समय में परम जरूरत है अपने गुनाहों को छोड़ने की। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, बीमारियां चल रही, महामारी चल रही, गरीबी आ रही है। ये समय अपने आप को सरेंडर करने का, अपने पापों से पश्चाताप करना है, करने का है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करने का है। जब इस नौजवान ने, छोटे पुत्र ने अपने गुनाहों को मान लिया, प्रभु पिताजी मैं सब कुछ छोड़कर चला गया था, सब कुछ लेकर चला गया था, अपनी मनमर्जी की मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीना सोचा, मैंने आजादी की जिंदगी जीने का सोचा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आजादी की जिंदगी के बाद मैं पाप में गिर जाऊंगा, आजादी की जिंदगी के बाद मैं गुनाहों में गिर जाऊंगा। पहले दोस्तों, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, पहले दोस्तों प्रभु यीशु आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए उसने अपने बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, मेरे और आपके लिए किया है। आज जरूरत है यीशु के पास आ जाएं। वे अपनी बाह को फैलाकर खड़ा है, वे आपका इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरी हजूरी में आएगी, कब ये अपने पापों से पश्चाताप करेगी। आज जरूरत है पापों से पश्चाताप करने की। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में स्वर्ग दूत सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। इस जगह के ऊपर लिखा है ना कि जब पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया, वो पिता होकर, एक संसारिक पिता होकर इतना कुछ कर रहा है, जो हमारा स्वर्गीय पिता जब हम अपने गुनाहों को छोड़कर मसीह के पास आएंगे, वह हमारे लिए क्या नहीं करेगा। इसलिए जरूरत है आज अपने पापों को छोड़ने की, पापों से पश्चाताप करने की। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार है तो मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें। कहे प्रभु यीशु मसीह, आज हमने वचन के द्वारा सुना है कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। प्रभु जी आज मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, आज मैं अपनी गुनाहों को मानता हूं और छोड़ता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु जी आपका लहू मुझे धोए, आपका लहू मेरी स्पिरिट को धोए, आपका लहू मेरा हृदय को धोए, आपका पवित्र लहू मेरे बदन को धोए। प्रभु जी मैंने मान लिया मैं पापी हूं, मैं अपने पापों को मानता हूं और पश्चाताप करता हूं और छोड़ता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो वचन सुना है प्रभु, जैसे हुडाऊ के पुत्र के बारे में, सब कुछ खोकर भी वापस आ गया प्रभु, प्रभु मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, प्रभु मुझे एक और मौका दीजिए, प्रभु मुझे प्रभु खड़े होने का एक और मौका दीजिए। प्रभु आपके नाम को मैं मानते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। अभी मैं आपके लिए सबके लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस,
प्यारे मान प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से एक बार फिर मैं आपका दास होता हुआ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, ये वचन इनके जीवन में जड़ पकड़े और आने वाले दिनों में बड़ा फल लेके आए प्रभु। जितने प्रभु लोगों ने अपने पापों को मान लिया प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु अपने गुनाह को मान लिया प्रभु, इनके जीवन में आपका स्पिरिट जाए, आपका आत्मा जाए और इनकी पिता परमेश्वर परिस्थितियां बदल जाए, इनके हालात बदल जाए। और पिता परमेश्वर खास तौर पर मैं प्रार्थना करता प्रभु एक और मौका दीजिए, वन मोर टाइम जीसस, एक और मौका दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने लोग अपनी जिंदगी में गिर चुके हैं प्रभु, उन्हें एक और मौका दीजिए ताकि वो उठकर आपकी सेवा के लिए खड़े हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ये वीडियो के द्वारा आपके पवित्र वचन को सुना है, उनके जीवन में आपका अभिषेक उतराए, आपका मसा उतराए। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर इज्जत महिमा जलाल केवल एक नाम को देते हैं, जनाब मुर्दों में से जी उठा है, वो यीशु नाम है। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से नाते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदा के लिए बनी रहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू, सबको जय श्री।